हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति के क्लोज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनवरी के मंथ में मैंने बल वाली एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और मैंने आपको इस बल्ब को रिपोर्ट करके भी उसके अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दिखाई थी और देखिए कितने सुंदर से ब्लूमिंग होना स्टार्ट भी हो गया था और बहुत ही अच्छे से एमरेलिस लिली में ब्लूमिंग देखने को मिली और रेन लिली में भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिली। तो आज मैं फिर से बल्ब वाली वीडियो लेकर आई हूँ, उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लोग वैसे ही प्यार देंगे। तो देखिए ये कुछ बल्ब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये डे लिली का बल्ब है और नर्सरी में 50 रुपीज़ में अवेलेबल है एक बल्ब और एमरेलिस लिली का वो बल्ब है, रेट सब में लिखा हुआ है। ये कैलेडियम है, 30 रुपीज़ का है ये, और ये ग्लोरिशा लिली है 50 रुपीज़ का है, अग्निशिखा भी कहते हैं, लैक्रोसिस है ये भी 50 रुपीज़ का है, बल्ब देखते जाइए। और ये काला लिली है 100 रुपीज़ का, इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और नरेन लिली है ये 30 रुपीज़ करके है, एक एक बल्ब का प्राइस नर्सरी में और काम फेरे 25 में मिल रहा है और ये मेरे एरिया के लोकल नर्सरी है ये, तो ये काम फेरिया में भी बहुत ही सुंदर फोलेज रहता है। और ये रजनीगंधा है ये भी 20 रुपीज़ करके है और ये हाइब्रिड एमरलिस लिली है मल्टीपेटल वाली, इसका रेट शायद उन्होंने 250 रुपया बोला था। और ये मिल्क एंड वाइन क्राइनम लिली है, तो मैं घर से देखिए ले आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सा खरीद कर लाई हूँ। ये ग्लोरिसा लिली का बल्ब है और एक तरह से ये बल्ब नहीं होता है दोस्तों, ये रूट होता है। मैं आप लोगों को विंडो में फ़ोटो शो कर दूंगी कि किस तरह से ये रूट होता है। यहाँ से स्प्राउटिंग होती है और ये नीचे रूट, इधर से ये वाला भाग, मतलब ये पूरा ही एक तरह से ये रूट ही है। तो आपको जॉइंट वाला मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसको इस तरह से लगाना है। आगे मैं वीडियो में बताऊँगी कि इसे किस तरह से लगाना है, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। और ये डे लिली का बल्ब है, तो यहाँ से इसको मिट्टी में इस तरह नीचे से देना है, वो ऊपर का भाग था उस ऊपर से ही स्प्राउटिंग होती है। हालांकि ये बल्ब उतने हेल्दी नहीं है, मुझे चांस कम है कि ये ग्रो होंगे, फिर भी मैं दो बार से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे उतना हेल्दी बल्ब डे लिली का नहीं मिल रहा। मैं पिक्चर शो कर दूँगी आप लोगों को विंडो पर, आप देख लीजिएगा कि किस तरह की इसकी ब्लूमिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही प्यारा फूल होता है। बल्ब वाला पौधा लेने का यही फ़ायदा होता है, एक बार अगर हम लोग बल्ब को लगाते हैं तो अंदर अंदर बहुत ढेरों मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये काला लिली का बल्ब है और ये 100 रुपीज़ में मिला है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है। तो देखिए इस तरह से इसमें ढेरों ढेरों स्प्राउटिंग हो रही है, ये रूट वाला भाग है और ये ऊपर रहेगा, मतलब रूट वाला भाग जो चिकना जैसा है वो नीचे और ये ऊपर रहेगा, तो बहुत सारे इसमें स्प्राउटिंग तो निकल रहे हैं। लेकिन लेते समय आप लोग हेल्दी और बड़ा बल्ब देखिएगा, क्योंकि मैं जब तक पहुँची थी तो बहुत सारे बल्ब निकल चुके थे, उतना हेल्दी बल्ब मुझे भी नहीं मिला। तो आगे मैं दिखाऊंगी लगाकर, यहाँ से रूट होगा और यहाँ से स्प्राउट होगा, तो जो खुदरा सा भाग होता है वो ऊपर रहता है और चिकना वाला भाग नीचे रहता है। सेम कैलेडियम का भी यही हाल है, कैलेडियम भी ऐसे ही दिखता है। तो देखिए बहुत सारे स्प्राउट्स निकले हुए हैं, तो कोशिश यही करिएगा कि स्प्राउट वाला ही बल्ब लें, तो जितना स्प्राउट है उतने ब्रांचेस वहाँ से निकलेंगे, उतनी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये काम फेरिया का बल्ब है। काम फेरिया का बल्ब देखिए नीचे नीचे से इसके ट्यूबर्स इस तरह से लटके हुए होते हैं, हालाँकि मेरा एक टूट गया है तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं लगा दूँगी। काम फेरिया के जो फोलेज होते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, उसे पीकॉक जिंजर लिली भी कहते हैं और इसके फूल हालाँकि उतने थोड़े छोटे होते हैं लेकिन इसके फोलेज बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये जाएगा और स्प्राउटिंग भी इसमें भी दिख रही है। तो आने वाले दिनों में किसी में मई के बाद ब्लूमिंग स्टार्ट होती है, कोई जून में खिलता है, कोई जुलाई में, और कामफेरिया भी मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है, तो काफ़ी खूबसूरत ये पौधा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये लाइकोरिस का फ्लावरिंग बल्ब है, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ऐसे रेड स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं या गोल्डन स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं, और कौन सा कलर का ये निकलेगा ये मुझे नहीं पता। लाइकोरिस और नरेन लिली जो होता है वो एक जैसे ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है, थोड़े से इसके फैमिली जीनस एक ही है लेकिन फैमिली थोड़े अलग हो जाते हैं, तो थोड़ा नाम अलग है, नरेन लिली और लाइकोरिस लिली, लेकिन बल्ब आप देखेंगे तो सेम है। नेक्स्ट दोस्तों, ये कैलेडियम का बल्ब आप लोग देख रहे हैं,
कैलेडियम भी अपने फोलेज के लिए जाना जाता है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में इसके फोलेज होते हैं। हालांकि देखिए ये बल्ब मुझे उतना हेल्दी नहीं मिला क्योंकि नर्सरी में उतना अवेलेबल नहीं था, मैं लेट से गई थी। तो भी मैं ट्राई करूँगी और उम्मीद करूँगी जो दो तरह के कैलेडियम मेरे पास है उससे ये डिफरेंट कलर के कैलेडियम निकले। तो यहाँ से देखिए इसकी स्प्राउटिंग होगी यहाँ से और नीचे वाला भाग से रूटिंग होता है। तो ये देखिए ये नरीनी लिली का बल्ब है और इसमें नीचे एक बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से देखिए नरीनी लिली और लाइकोरिस लिली का बल्ब एकदम सेम रहता है। ये नरीनी लिली थोड़ा सा छोटा होता है इसका बल्ब और लाइकोरिस का थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लेकिन फ्लावर ऑलमोस्ट सेम होंगे। देखिए ये दोनों का अंतर, ये बड़ा है और वो वाला छोटा है। नरीनी लिली का छोटा है बल्ब और लाइकोरिस का बड़ा है, लेकिन फ्लावर थोड़े से अंतर होते हैं। तो चलिए अब इसको लगाकर हम लोग देखते हैं। तो मेरे पॉटिंग मीडिया ऑलमोस्ट पॉट में डालकर ही रखी हुई थी। वेल्डेन और सैंडी सॉइल दीजिएगा और पानी अभी मत दीजिएगा। बल्ब लगाने के बाद इसे थोड़ी धूप वाली जगह पर रखिएगा, छाया मत दीजिएगा। तो इस तरह से मैं अभी कैलेडियम के बल्ब को लगा रही हूँ। तो जो ऊपर से निकल रहा है स्किन इसका, तो उसको मैं हटा लेती हूँ और ऊपर से स्प्राउटिंग वाला जो ऐसे निकला हुआ टाइप का है उसको ऊपर रखना है और चिकना वाला भाग को नीचे रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा तभी जर्मिनेशन होगी, उल्टे बल्ब लगा दीजिएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप तिरछी करके लगा दें, लेकिन उल्टा मत लगाइए और बहुत ज़्यादा बल्ब को नीचे मत दीजिएगा और ऊपर से बहुत ज़्यादा मत ढकिएगा, एकदम लाइट सॉइल रखिएगा। अब काला लिली के बल्ब को लगा रही हूँ। काला लिली के बल्ब को थोड़ा डीप गहराई में लगाना चाहिए, लेकिन मेरा बल्ब उतना हेल्दी नहीं मुझे लग रहा है तो मैं थोड़ी कम ही गहराई में डालूंगी। तो इस तरह से मैं इसको लगा देती हूँ। ऊपर से मिट्टी को हल्का ही हल्के हाथों से ढकना है। तो अब चलिए नेक्स्ट बल्ब को लगाते हैं। तो देखते हैं कौन सा बल्ब है। तो ये हुआ ग्लोरिस का ट्यूबर या रूट कहिए। तो इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसको इस तरह से लेटा कर हमें लगाना है ताकि इसके, ये एक बेलदार पौधा होता है, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसको मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये थोड़े से पॉइजनस होते हैं तो इसको हम लोगों को बिना डॉक्टरी परामर्श के कुछ भी इनटेक नहीं करना है। तो इस तरह से लग गया है। तो नेक्स्ट देखिए अब लगाते हैं बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग बल्ब डे लिली। ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मैं तो आशा करूँगी कि ये ग्रो हो जाए, लेकिन ये बल्ब मुझे उतना हेल्दी नहीं मिल रहा है दो टाइम से। तो इस तरह से ऊपर का भाग को ऊपर रखना है और बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे बल्ब को नहीं देना है। नेक्स्ट दोस्तों चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। और मेरी पॉट हल्की सी गीली है तो मैं जब वाटरिंग करूँगी तो ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, हल्का वाटरिंग करना है और पानी कम दीजिएगा। इस तरह से देखिए इसके जो क्राउन एरिया है उसको ऊपर रखना है, क्राउन एरिया को नहीं दबाना है। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं नरेन लिली के बल्ब को रिपॉट करूँगी। तो क्राउन एरिया इसका भी ऊपर रखिएगा, ये रूट वाला भाग है इसमें तो पहचानने में दिक्कत नहीं होता। बस इसके बल्ब को पूरा मिट्टी के नीचे नहीं देना है, क्राउन एरिया को ऊपर रखना है जिससे स्प्राउटिंग होने में मदद मिले और जल्दी से स्प्राउटिंग देखने को मिले। तो मई से लेकर नवंबर तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों ये कामफेरिया का बल्ब है, इसको भी अब रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इसके भी फॉलेज बहुत ही सुंदर होते हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो इसको इस तरह से देखिए क्राउन एरिया को इसका भी ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं देना है। और इसके जो एक ट्यूबर टूट गए थे तो उसको भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं दबाइएगा ताकि रूटिंग होने में आसानी हो। इस तरह से देखिए इसके ट्यूबर को भी मैं डाल देती हूँ मिट्टी के नीचे, स्प्राउटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से लग गए दोस्तों। तो अब मैं हल्की सी वाटरिंग कर देती हूँ, हालांकि मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है। अब इसको हम लोगों को धूप वाली जगह पे रखना है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा मुझे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिले, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और कुछ भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें, मैं रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।